व्यूअर्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये जैसा बिठाए गए, देखो आप बहुत सारे लोग हैं कंफ्यूज रहते हैं कैसा बिठाना बोल के, और कुछ भी नहीं, सरल है। जितना भी आपका जो मेन फ्रेम रहता, देखो फर्स्ट फ्रेम बनाना पड़ता है। ये पत्थर जैसा, ये स्टोन्स है या जो क्लैडिंग स्टोन्स है, देखो टाइल्स, इसके हिसाब से आपको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है। बिकॉज ये एक के ऊपर एक बैठता, अच्छे से जॉइंटिंग भी नहीं होता। बट ये बीच बीच में रॉड का सपोर्टिंग लिया गया, आप देख सकते हैं ये वाला रॉड का सपोर्टिंग लेके। ये फर्स्ट इधर क्या हुआ था, स्टार्टिंग में 2 इंच का डिफरेंस आ रहा था, इधर थोड़ा गैप रह रहा था उधर, तो उसकी वजह से ये वाला 1 इंच का पाइप यहाँ पर बिठाने के बाद ये पूरा फिलअप हो चुका है अच्छी तरीके से। एंड ये जब का जब आप क्लीन करना चाहिए, बिकॉज नहीं तो ये लुक चले जाएगा, मेन वही है चीज़, ठीक है। और हर एक 8 इंच बोले तो एंड नाकले 32 इंच होता, 32 इंच प्लस और एक नीचे आधा इंच, ऊपर एक आधा इंच, थोड़ा एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो वो फिटिंग करते समय हमको थोड़ा बहुत कुछ तोड़ना ही पड़ता है, वो है चीज़। ओके, सो एक ऐसा जो ये बीच बीच में फ्रेम बनाएंगे, ऐसे एक बॉक्स कंटिन्यूस एक बॉक्स बनाएंगे, बाहर की तरफ से लेके चलता हूँ। एंड इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको पर पीस मिल जाता है 98, यानी कि 100 रुपीज़ पर पीस मिल जाता है एक बॉक्स। इसे बॉक्स के अंदर आ जाते हैं, गुजरात से लाए गए, इम्पोर्टेड है, एक्सपोर्ट इम्पोर्टेड है, इम्पोर्ट मतलब फॉरेन से नहीं, दूसरे स्टेट से इम्पोर्टेड है। एंड बिठाते समय थोड़ा सा केयरफुली बिठाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और देखिएगा ये बिठाया, इसके बाद एक फ्रेम आया, ये रॉड पट्टी आया, ये पट्टी जो है ना एग्जैक्ट 32 के बदले आप 33 लेना था ऐसे हर रेक को। और साइड में अच्छा सा चिपकना बोल के ये जो ग्लू है, देखो ये एक्रेलिक ग्लू है जो हम टाइल्स को बिठाते, देखो वो वाला ग्लू लगाया था कि रफनेस पकड़ सके, पूरा फुल सैंड से लगाया गया ऊपर तक, ये वाला चीज़। नेक्स्ट उसको लगाने के लिए ना ये स्पेशल मटेरियल है, न्यू कंस्ट्रक्शन टाइल एडेसिव बोल के, सीमेंट बेस्ड टाइल एडेसिव, आइडियल फॉर फिक्सिंग सिरेमिक टाइल्स ऑन फ्लोर एंड वॉल, न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफर्स गुड बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड वर्किंग टाइम टू अप्लाई एंड एडजस्ट टाइल्स फॉर क्विक टाइलिंग सेविंग टाइम एंड लेबर, ये वाला चीज़। पेडलाइट कंपनी, ये एडेसिव यूज़ किया गया उसको बिठाने के लिए, इस तरह से आ जाता है ये। लगभग वेट की बात करें तो लगभग 1-1.5 किलो तक तो है समझो ये वाला, सिर्फ ये मटेरियल यूज़ किया जा रहा है उसको चिटकाने के लिए। को एक बार मैं बाहर की तरफ ये देखिएगा, मतलब अच्छा सा लिक्विड पेस्ट के जैसे रहता, फिर उसके बाद ये पूरा आपको क्लीन करना ही पड़ेगा, अगर आप क्लीन नहीं करें तो ये रेड वाला लुक चले जाएगा। बाहर से दिखाता हूँ, देख लीजिए, अभी इसके ऊपर शाइनिंग आना बोले तो आपको एक ग्लोसी पेंट लगा दिए तो अच्छा सा शाइनिंग आ जाता है इसके ऊपर। ये अभी और एक 4 पार्ट्स है, 3 पार्ट हुआ, अभी 4 पार्ट बाकी है। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 पाँच के बाद एक लेयर, सॉरी 4, ऐसा जो है 7 है, ऐसा 4 है, मतलब 28। सो 2800 3000 को एक ब्लॉक आ रहा है, 6-7 ब्लॉक्स हैं, 7 4 20 28, इस तरह से आता है।